हेलो फ्रेंड्स, यदि आप भोजपुरी भाषा को पसंद करते हैं, आप भोजपुरी भाषा बोलते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, जी हाँ भैया, आजकल तो नेपाल में निरहुआ चल लंदन की शूटिंग कर रहे, लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि उनका बोलबम का जो एल्बम है शूटिंग हो चुका है। जी हाँ, गाना को जो रिकॉर्डिंग है पूरा कर ली है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। उसमें एक गाना रहेगा, मेरे रस के कांवर। जी हाँ, मेरे रस के कांवर गाना रहेगा, जो 2017 में आप सबको सुनने को मिलेगा। सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी लाल यादव सबने गाया है मेरे रस के कमर पर गाना, तो दिनेश लाल यादव क्यों पीछे रह जाए। जी हाँ, उन्होंने अजमाया है, तो उनके आवाज़ में भी आप लोग को सुनने को मिलेगा कांवर गीत, मेरे रस के कांवर, कुछ ऐसे करके नाम से आ रहा है आप सबके बीच में गाना। बहुत जल्द डाला जाएगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव जब सारे सुपरस्टार अपने गाने डाल लेते हैं, उसके बाद लास्ट में डालते हैं। जी हाँ, जैसे ही सावन चढ़ेगा, उसके ही साथ में आप लोगों को दिनेश लाल यादव निरहुआ का सॉन्ग उनकी आवाज़ में मेरे रस के कांवर सुनने को मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि अभी सुपरस्टार पवन सिंह का गाना आना बाकी है, खेसारी लाल यादव का भी गाना। अभी जब तक इनका गाना जब पूरा हो जाएगा, तब जाके दिनेश लाल यादव निरहुआ अपना गाना मार्केट में छोड़ता है। उनकी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि कोई भी फिल्म हो उनका, जब सारे सुपरस्टार को फिल्म जब हिट हिट चली जाती, उसके बाद वो अपना फिल्म डालते और सबका रिकॉर्ड तोड़ देते। तो उसी तरह लग रहा है कि जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव का गाना मार्केट में चल रहा है, तो सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ अपने लास्ट में गाना को रिलीज करेंगे और सबका रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नंबर वन बन जाएंगे। तो बहुत जल्द आप सबके बीच में आने वाला है दिनेश लाल यादव निरहुआ की आवाज़ में बोलबम का गाना। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।